गाइस आज हम दो सबसे सस्ते फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को कंपेयर कराने वाले हैं। अगर आपकी जेब का बजट 35,000 रुपये या 40,000 रुपये है, तब आप इन दोनों फ़ोन्स में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। दोनों फ़ोन्स ही काफ़ी अच्छे फीचर्स अपने साथ में लेके आते हैं, जैसे कि वाटरप्रूफिंग, वायरलेस चार्जिंग, उसी के साथ साथ कैमरा कॉम्पोनेंट बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। एंड फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के S21 FE, एंड उसके साथ साथ हम इसे कंपेयर करेंगे आईफोन 12 के साथ। अगर देखिए आपका बजट कम है और एक फ्लैगशिप फ़ोन की उम्मीद रख रहे हो, तब इन दोनों फ़ोन्स में से आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फ़ोन ही बहुत कमाल के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा सैमसंग के S21 FE के बारे में। एंड ये जो मेरे पास मोबाइल है, वो है 8GB रैम, 128GB रोम वाला फ़ोन। एंड अगर इसके प्रोसेसर की बात करें, तो इस फ़ोन में आपको अब मिलता है स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, जो कि 2.9 GHz पे वर्क करता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड आप कैजुअली गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, आप देखिए थोड़े बहुत हैवी टास्क भी इस फ़ोन से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस फ़ोन का रहता है। गाइज, अब बात करते हैं आईफोन 12 के बारे में। तो आईफोन 12 जो मेरे पास है, उसमें 128GB रोम है। एंड आईफोन में जो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं, वो चिप्स होते हैं। एंड आईफोन 12 में A14 बायोनिक चिप यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड आप कैजुअली गेमिंग, कैजुअली फ़ोन वगैरह चला सकते हैं। मैं मतलब सैमसंग के S21 FE एंड आईफोन 12 को लगभग सिमिलर कंडीशन में रखूँगा, क्योंकि जो प्रोसेसर दोनों फ़ोन्स में यूज़ किए गए हैं, वो लगभग सेम परफॉर्मेंस रखते हैं अपने साथ में। एंड गाइज, देखिए अगर कैमरे की बात करूँ, तो आईफोन 12 में आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 12+12MP का। एंड अगर फ्रंट की बात करूँ, तो 12 MP का फ्रंट कैमरा भी है इसमें, जो कि 4K 60fps वीडियो रिकॉर्ड करा सकता है। एंड उसके साथ साथ फ़ोन अपना बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आप अगर ब्लॉग करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो फ़ोन से बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर देखिए सैमसंग के S21 FE के कैमरे के बारे में बात करूँ, तो इसमें बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 12+12+8MP का। 12 MP का मेन कैमरा है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और 8 MP का आपको इसमें टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। और ये वाला जो कैमरा है, वो एक OIS कैमरा है, एंड काफ़ी अच्छे फोटोज़ दे देता है। एंड अगर देखिए फ्रंट कैमरे की बात करूँ, तो 32 MP का फ्रंट कैमरा है। जैसे कि आईफोन में 4K 60fps तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, वैसे ही सैमसंग के S21 FE में भी आप 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके साथ साथ स्टेबलाइजेशन सैमसंग का भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हो सकता है वीडियो एंड फोटोज़ के मामले में सैमसंग S21 FE आईफोन से ज़्यादा बढ़िया काम करे। एंड फ्रेंड्स, अगर देखिए डिस्प्ले की बात करूँ, तो सैमसंग के S21 FE में 6.4 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जो कि 120Hz का है। एंड आपके परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी कैजुअली बहुत अच्छे से होते रहेंगे, काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा, आप गेमिंग वगैरह करेंगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। कि अगर आईफोन 12 की बात करूँ, तो आईफोन 12 में आपको 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, जो कि 60Hz का है। एंड थोड़ा थोड़ा हो सकता है सैमसंग से आपको स्लो मालूम पड़े डिस्प्ले, क्योंकि 60Hz एंड 120Hz में थोड़ा सा अंतर है 60Hz का। तो उसके साथ साथ देखिए इसमें भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा ब्राइट है। आप देखिए, चाहे आईफोन यूज़ कीजिए, चाहे सैमसंग यूज़ कीजिए, धूप में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे कलर्स वगैरह दिखने वाले हैं। एंड कंटेंट देखते हुए आपको वाकई सैमसंग का S21 FE ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ऊपर जो नॉच है, वो सैमसंग में बहुत छोटी सी एक पंचोला आपको देखने को मिलता है। एंड आईफोन में आपको एक काफ़ी बड़ी नॉच देखने को मिलती है, जो कि कंटेंट देखते हुए आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अगर देखिए बैटरी के बारे में बात करूं, तो सैमसंग के S21 FE में आपको 4500mAh का बैटरी देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ साथ 25W का चार्जर भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता है, चाहे आप आईफोन खरीदो चाहे सैमसंग। एंड देखिए उसी के साथ साथ आईफोन 12 में आपको 2815mAh का बैटरी देखने को मिलता है, 20W का चार्जिंग सपोर्ट है। और डिटेल में बात करूँ, तो यहाँ पर आईफोन का बैटरी सैमसंग के मुकाबले अच्छा है, क्योंकि आईफोन में बैटरी एमएएच तो कम है, लेकिन सैमसंग में देखिए बैटरी काफ़ी ज़्यादा खपत करता है फ़ोन को। उसके साथ साथ देखिए अगर ऑन स्क्रीन टाइम की बात करूँ, तो सैमसंग का S21 FE का ऑन स्क्रीन टाइम लगभग 4.5 से 5 घंटे का रहता है। वहीं देखिए आईफोन 12 के ऑन स्क्रीन टाइम की बात करूँ, तो लगभग 6-7 घंटे अच्छी खासी इसकी बैटरी रुक जाती है। तो इस चीज़ में मुझे सैमसंग में एक नेगेटिव पॉइंट लगा। अगर देखिए दिन में आप 2 बार फ़ोन चार्ज कर सकते हो, तो आप सैमसंग का फ़ोन बाय ज़रूर करना। और देखिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि हमें दोनों फ़ोन्स में देखने को मिलते हैं, वाटरप्रूफिंग आपको सैमसंग के और आईफोन के दोनों फ़ोन्स में देखने को मिलती है,
उसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग भी आपको दोनों फोन्स में ही देखने को मिलती है। उसके साथ साथ देखिए सैमसंग आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देता है। प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों फोन्स में। अगर सैमसंग के S21 FE के बारे में बात करूँ तो जब भी आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखेंगे इसके प्राइस तो 31,999 रुपये आपको देखने को मिलेगा 8GB RAM 128GB ROM वाले वेरियंट का। तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम भी हो जाता है, जब भी कभी फ्लिपकार्ट की कोई सेल आती है तो आपको ये 28,999 रुपये का देखने को मिल जाता है। नहीं गाइज, अगर देखिए आईफोन की बात करूँ तो आईफोन का जब भी आप फ्लिपकार्ट पे प्राइस चेक करेंगे तो ये फ़ोन आपको 43,999 रुपये का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 64GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। वहीं अगर 128GB वाला वेरिएंट आप लेते हैं आईफोन 12 का तो 48,999 रुपये का देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि मतलब आपके पास कम बजट है या फिर कम पैसे हैं, आप 30,000 रुपये 31,000 रुपये रखते हो तो आप सैमसंग का S21 FE बाय कर लेना। आप बेझिझक इस फ़ोन को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं लगेगी। बस बैटरी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा इश्यू है, आपको दिन में हो सकता है 2 बार चार्ज करने को पड़ जाए। बाकी फ़ोन में बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यू नहीं है, हल्की फुल्की हीटिंग करता है, बहुत ज़्यादा इश्यू इसका भी नहीं है। बाकी देखिए ये कैजुअली फ़ोन होता है, छोटा फ़ोन कॉम्पैक्ट होता है, उसमें जो हीटिंग होती है वो मैनेज नहीं कर पाता है फ़ोन, क्योंकि वहाँ पे पार्ट्स होते हैं बहुत पास पास में लगाए हुए होते हैं, इसलिए फ़ोन में हीटिंग इश्यू आपको ज़्यादा भी मालूम पड़ता है बड़े फ़ोन्स के मुकाबले। तो फ्रेंड्स ये भी एक रीज़न होता है हीटिंग ज़्यादा मालूम पड़ने का। में अगर 2 बार फ़ोन चार्ज कर पाए, बैटरी से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तब आप सैमसंग का S21 FE बाय कर सकते हैं। देखिए आईफोन 12 अगर आप लेंगे तो इस प्राइस रेट पे आपको आईफोन 13 या आईफोन 14 भी मिल जाएंगे। आईफोन 14 का ऑफर में प्राइस 52,000 रुपीज़ तक आ जाता है फ्लिपकार्ट पर। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर देखिए आप आईफोन 12 128GB वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो 3,000-4,000 रुपये डाल के आप आईफोन 14 ही डायरेक्ट लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो देखिए दोनों फ़ोन्स के बारे में मैंने बता दिया है, बाकी आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया या फिर आप कौन सा लेने वाले हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आपकी देखिए जो भी मर्जी है वो आपकी मर्जी रहेगी, बाकी जो बेस्ट सजेशन रहा वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारे कंपेयर वीडियो, बहुत सारे मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, इनसे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है एक फ़ोन को चूज़ करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।